हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल पर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूं। आज जो मैं आपके लिए जजमेंट लेकर आई हूं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, एक महिला होने में दर्द है, मगर एक महिला होने में गर्व भी है। ये फैसला है 498A के ऊपर और केस का टाइटल है मंदाकिनी बाला साहेब कालभोर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में मृतिका वैशाली, जिसने 21 साल पहले कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी, उसकी सास मंदाकिनी की सज़ा को बरकरार रखा गया है और वैशाली के पति दिनेश को भी 498A के तहत दोषी पाया गया है। हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने उसकी सज़ा बढ़ाने की अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने आरोपी मंदाकिनी और राज्य की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति डागरे द्वारा लिखित निर्णय में संयुक्त राज्य अमेरिका की मैरी पॉलिन लॉरी को उद्धृत भी किया गया, जिन्हें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की वकालत करने के लिए जाना जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक महिला होने में दर्द है, लेकिन इसमें गर्व भी है। उन्होंने कहा कि मृतक वैशाली ने कष्टों का सामना किया, लेकिन एक महिला अपने ऊपर गर्व करने के लिए जीवित नहीं रह पाई, क्योंकि इससे पहले ही वो अपने जीवन की लौ को बुझाकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वैशाली ने 8 मई 1998 को दिनेश से शादी की थी और लगभग 6 महीने बाद 4 नवंबर को कीटनाशक पीकर अपने जीवन का अंत कर लिया। अगर हम इस केस की पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो वैशाली के पिता दादा साहेब ने घटना के दिन शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर FIR दर्ज कर दी गई। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने उनकी सास मंदाकिनी, उनकी ननद रूपाली और उनके पति दिनेश द्वारा उस पर किए गए क्रूरता के व्यवहार की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें सूचित किया था कि उनकी सास इस तथ्य के कारण उन्हें परेशान करती रहती हैं कि वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा वैशाली से शादी करे। साथ ही वैशाली के माता पिता ने यह भी बताया कि उनकी सास उन्हें 2 लाख रुपये की डिमांड कर रही थी। तीनों आरोपियों द्वारा उनके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूरता की जा रही थी। यह भी आरोप लगाया गया कि वैशाली की शादी पर उसके माता पिता ने दिनेश को एक मारुति कार दी थी, उसके अलावा 12 लाख रुपए खर्च भी किए थे। 4 नवंबर 1998 को दादा साहेब और उनके परिवार के सदस्यों को सूचित किया गया कि वैशाली को पूजा अस्पताल हड़पसर में भर्ती कराया गया था और जब वो अस्पताल पहुंचे तो वैशाली बेहोश थी। दिनेश से पूछताछ करने पर पता चला कि वैशाली की पिछली रात को दिनेश की माँ और बहन रूपाली के साथ मौखिक रूप से विवाद हुआ था, इसी लड़ाई के चलते उसने कीटनाशक पी लिया था। इस सूचना के आधार पर धारा 498A, धारा 304B और धारा 306 IPC के तहत FIR को दर्ज कराया गया था। पोस्टमार्टम से पता चला कि मृत्यु वास्तव में मेथनॉल विषाक्तता के कारण हुई थी और जांच निष्कर्ष पर जांच अधिकारी ने इसमें एक और में धारा 302 IPC को भी जोड़ दिया था। एडिशनल सेशन जज पुणे ने धारा 302 और 304B IPC के तहत दंडनीय अपराध से सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि मंदाकिनी को 498A और 306 IPC के तहत दोषी ठहराया गया, जिसके लिए उन्हें 1 साल और 3 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए ये कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट के फैसले का अवलोकन किया है और हमारा विचार है कि सेशन जज ने मृतक महिला के पति अभियुक्त नंबर 1 यानी कि दिनेश को, जो कि मृतिका का पति है, वो उसके साथ उत्पीड़न में शामिल था, उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों पर विचार नहीं किया गया, ये एक गंभीर गलती है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने लगातार इस रुख को बनाए रखा कि मृतिका को उसकी सास और उसके पति दिनेश के हाथ उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और वो आरोपी व्यक्तियों के हाथों शारीरिक और मानसिक क्रूरता की शिकार हुई थी। मौजूद सबूत साफ तौर पर वैशाली पर ढाई गई और उसके द्वारा चुपचाप सही गई कठोरता और अत्याचार को स्थापित करते हैं, जिसने उसके मन में ये विश्वास को जन्म दिया कि उसके जीवन में कोई आशा या उम्मीद नहीं बची है। उसकी सास द्वारा उसके साथ की गई क्रूरता और व्यवहार, उसके पति की उस चुप्पी और उसके द्वारा वैशाली को शारीरिक और मानसिक यातना देने में अपनी माँ का साथ दिया जाना और गंभीर चोटें उसके जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डालती रहीं। उसके पति ने उसके उत्पीड़न में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया और उसके पति का ये आचरण पर सेशन जज ने कोई विचार नहीं किया और उसको बरी कर दिया।
अपने फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने पति दिनेश को नोटिस जारी किया और इस अपील को आगे सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का जजमेंट 498A के ऊपर। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस जजमेंट की PDF कॉपी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इसी तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।